सो गाइस मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला S20 सीरीज आने वाली है। इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, मोटोरोला S20 एंड इसका प्रो वेरिएंट। और अब इन दोनों स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला S20 प्रो स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, कौन से प्राइस पर आएगा और इंडिया में कब तक आता है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले, क्योंकि इस तरह की टेक रिव्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मोटोरोला S20 सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले है, मोटोरोला S20 एंड इसका प्रो वेरिएंट। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला S20 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटोरोला S20 प्रो 5G के स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले डिजाइन से। फर्स्ट इसके डिस्प्ले की बात कर ले तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का एमोलेड का पैनल मिलेगा 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके डिजाइन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रियर साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड मोटोरोला की ब्रांडिंग होगी। बाकी स्मार्टफोन लुकवाइज काफी प्रीमियम होने वाला है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G चिपसेट है। बाकी ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 7 nm पर बेस होगा, बैटरी एफिशिएंसी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। एड्रेनो 650 का GPU मिलेगा जहाँ पर आप काफी अच्छी खासी गेमिंग कर लोगे। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स 11 का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर इसके रैम स्टोरेज की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 8GB 12GB रैम एंड 256GB UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इसके कैमरास की बात कर ले तो यहाँ पर आपको रेयर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, 108+16+8 मेगापिक्सल, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर डुअल फ्लैश भी मिलने वाले है। बाकी रेयर साइड पे आप 6K वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे 30 FPS तक। अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात कर लो तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे 30 FPS तक। नेक्स्ट इसके बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4230 mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं पर आपको 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड 15W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसके सेंसर्स की बात कर ले तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, कंपाजिट बैक कैमरा सेंसर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 3.5 ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर, माइक्रोफोन एंड टाइप सी कनेक्टिविटी का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर इसके प्राइसिंग की बात कर ले तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस 25,000 से 30,000 के आसपास होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।